चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए छूटने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन पर महज 2 मिनट के लिए ही रुकती है, जिसके चलते वहां से निकलने वाले यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी के चलते वे इसके स्टॉपेज के समय को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर शताब्दी ट्रेन का इंतजार करते हुए यात्रियों ने अपनी समस्या का जिक्र करते हुए इस बात को कहा कि उन्हें गाड़ी में चढ़ने में बेहद परेशानी होती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शताब्दी ट्रेन का स्टॉपेज टाइम यहां पर महज 2 मिनट रखा गया है, जिसके चलते गाड़ी में चढ़ना उनकी नजर में किसी जंग से जीतने के बराबर नहीं होता। यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से निवेदन करते हुए इस बात को कहा कि अंबाला से हो रही रिजर्वेशन को गाड़ी के सभी डिब्बों में बांट दिया जाए, जिससे यात्री आराम से ट्रेन में चढ़ सकेंगे और 2 डिब्बों में रिजर्वेशन मिलने के कारण अब उन्हें चढ़ने में बेहद असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मैं अंबाला से रिजर्वेशन कराया और अंबाला से दिल्ली जा रहा हूँ, शताब्दी एक्सप्रेस में जा रहा हूँ और इसमें यहाँ से दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि C2 और C3 में ही रिजर्वेशन मिलता है, बाकी में मिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि यात्रियों की इस परेशानियों से रेलवे अधिकारी अनजान हैं, लेकिन वे अपनी मजबूरी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये हमारी जो चंडीगढ़ से शताब्दी चलती है दोपहर में और 1:30:46 जो है, इसमें हमारी जो बोर्डिंग थी वो C2 और C3 कोचेज में थी, जिसकी वजह से पब्लिक को थोड़ी परेशानी हो रही थी। एकदम स्टॉपेज भी कम था और पब्लिक की जो सारी बुकिंग थी वो C2 और C3 में होने की वजह से थोड़ा परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, एकदम ओवरक्राउडिंग का मामला था। वहीं रेलवे विभाग के मुताबिक शताब्दी ट्रेन का स्टॉपेज समय बढ़ाने के लिए प्रपोजल आला अधिकारियों तक दिसंबर में ही भिजवा दिया गया था। अब उस प्रपोजल को लेकर किस तरीके का फैसला कब अधिकारियों की ओर से लिया जाता है, उनकी नजर में यह आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।